नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। वेलकम टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चांदनी। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद वसीम जी, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल मेहंदीपट्टनम पे अवेलेबल रहता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में सब सहूलत है, जैसे कि आईसीयू बोलिए आप या फिर लंग्स को रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट है, हमारे पास बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा होता है। सर, असल लंग्स में वाटर कैसे जमती है? हाँ देखिए मैडम, जैसा कि आप बहुत बार सुनने में आता है कि लंग्स में पानी जम गया, इसके दो मायने होते हैं। एक तो लंग्स के अंदर पानी जमना, एक लंग्स के बाहर पानी जमना। लंग्स के बाहर पानी जमने को, छाती के अंदर लंग्स के बाहर जो प्लूरल स्पेस रहती उसमें पानी जमने को प्लूरल एफ्यूजन कहा जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन रीजन अगर इन्फेक्शन का लिए तो टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। कभी कभी लंग्स में ब्लड क्लॉट, निमोनिया होने की वजह से भी प्लूरल एफ्यूजन होता है। और एक लंग्स में पानी जमने के मायने हैं पल्मोनरी एडिमा, इसका मतलब यह है लंग्स के अंदर पानी जमता। ये यूजुअली हार्ट फेलियर पेशेंट, जो जिनका भी हार्ट फेल हो जाता है, उसमें क्या होता है, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करने की वजह से बैक प्रेशर होके लंग्स में पानी जम जाता। और कभी कभी जैसा हार्ट फेलियर है, हार्ट खास करके हार्ट फेलियर पेशेंट्स में या कोई भी पेशेंट में जिसमें पानी ज्यादा हो गया या फिर जिसम से पानी नहीं निकल सक रहा, जैसे कि किडनी फेलियर जो है, ऐसे कंडीशंस में पल्मोनरी एडिमा एंड प्लूरल एफ्यूजन दो भी एक साथ रह सकते हैं। इन्फेक्शन में वेरी अनयूजुअल है, बट फ्लूइड ओवरलोड स्टेट जिसे कहा जाता है, जिसके माने है कि जिसम में पानी बढ़ जाना या फिर पानी प्रॉपरली पंप नहीं कर सकना हार्ट, ऐसे कंडीशन में पल्मोनरी एडिमा एंड प्लूरल एफ्यूजन दो भी एक साथ एक पेशेंट को हो सकते हैं। अगर लंग्स में कैंसर हुआ तो हमें कैसा पता चलता, इसके सिम्टम्स कैसे रहते स्टार्टिंग स्टेज? देखिए, पल्मोनरी एडिमा अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं जो हार्ट फेलियर के वजह से होता है, ये पेशेंट्स को अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती और खास करके लेटने पर दम चढ़ना और ज्यादा हो जाता, जिसे ऑर्थोपनिया कहा जाता है। इसके माने हैं लेटने से दम चढ़ना और बढ़ जाना। ये होता ऐसा क्यों है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि लेटने पर दम क्यों ज्यादा चढ़ रहा है। ये सिंपल सा फिजिक्स है एंड फिजियोलॉजी है। एक चीज देखिए, जब अपन खड़े हुए होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी पूरा अक्सर पैरों में पूल हो जाता, जिसकी वजह से थोड़े पेशेंट के आप देख सकते हैं कि पैर सूजे हुए रहते हैं, जिसको पिटिंग एडिमा कहा जाता है, पीडल एडिमा, पिटिंग होना नहीं होना वैसा। जब वही पेशेंट जब लेट जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर पूरा शिफ्ट हो जाता, लंग्स में आ जाता। लंग्स में आते कि पेशेंट को क्या है, सांस फूलना ज्यादा हो जाता। अक्सर ऐसे पेशेंट उठ के बैठे तो बेहतर महसूस करते, लेटने के बदल उठ के बैठे तो बेहतर महसूस करते। हम हॉस्पिटल में भी यही करते हैं, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसका हार्ट फेल्यूर है, पल्मोनरी एडिमा हो गया, लंग्स में पानी आ गया, तो ऐसे पेशेंट को हम उनका हेड एंड एलिवेट करके रखते, सो दैट जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा आराम और रिलीफ मिल जाता है। ऐसा अगर अपन लंग्स के बाहर पानी जमने की बात करें, जिसके प्लूरल एफ्यूजन कहा जाता है, इसमें भी दम चढ़ना रहता बट उतना ज्यादा नहीं रहता जितना पल्मोनरी एडिमा का जैसा है। पल्मोनरी एडिमा में क्या है, आपको इमीडिएटली सिम्टम्स आ जाते हैं, दम चढ़ना, खांसी। वही प्लूरल एफ्यूजन में क्या है, स्लोली बिल्डअप होते रहता। और पल्मोनरी प्लूरल एफ्यूजन में खासियत क्या रहती, पेशेंट को अक्सर चेस्ट पेन रहता, और अगर इन्फेक्टिव रहा तो वो इन्फेक्शन के सिम्टम्स रहते, जैसे कि बुखार हो या फिर चेस्ट पेन हो या फिर ऑक्सीजन कम होना, ये सब चीज के सिम्टम्स रह सकते हैं उनको। अब कुत्तों और कबूतर को पालने से कुछ लंग्स पे इफेक्ट होगा? यह बेशक आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहे हैं। आजकल बहुत सारा ये देखा जा रहा है, बिकॉज हर कोई इंसानियत के उस पर आना चाह रहे, हर कोई जानवर से मोहब्बत करना चाह रहे। बहुत अच्छी बात है जानवर से मोहब्बत करना या फिर कोई बर्ड से मोहब्बत करना, बट बर्ड से अक्सर एक बीमारी होती है जिसे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहा जाता है। ये क्यों होती है, वो तो जो भी बर्ड्स रहते हैं, खास करके अपन जो नॉर्मली देखते हैं पिजन,
जो कबूतर कहा जाता है, पिजन, सबसे कॉमन चीज, तो कोई भी बर्ड से हो सकता है, कोई भी पंछी से ये बीमारी हो सकती है। खास करके सिंपल इजी पिजन से अपन डिस्कस करें तो बेहतर है। तो ये ऐसी चीजें कहीं भी दिख जाती है आपको, कहीं पार्क चले जाइए, कहीं पब्लिक प्लेस चले जाइए, दिखती। तो इसमें क्या होता, जो बर्ड्स के ड्रॉपिंग्स रहते, जो बर्ड्स का शिट रहता, इसमें एक तरह का एलर्जन रहता है, जिसकी वजह से वो इनहेल करने की वजह से लंग्स में एक तरह का रिएक्शन शुरू होके लंग्स के अंदर सूजन आ जाती, जिसे ILD कहा जाता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डेवलप होती। इसमें पेशेंट को क्या रहता, अक्सर अगर एक्यूट रहा तो सडन से दम चढ़ना, बुखार, बॉडी पेन्स ये रह सकते। अगर क्रॉनिक है, ओवर द मंथ्स ऐसा रहा तो स्लोली दम चढ़ना बढ़ते बढ़ते ये प्रॉब्लम होता है। बीमारी को हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहा जाता है। बट एक चीज इंटरेस्टिंग है कि क्या ये सबको होता? अगर आप और मैं दोनों भी अगर बर्ड्स को अपन फीड कर रहे या पाल रहे तो क्या दोनों को हो सकता? ऐसा जरूरी नहीं है। किसी किसी को होता, किसी को नहीं होता। किसको होता नहीं होता वो मालूम करना जरा मुश्किल है। बच्चों में भी हो सकता, बेशक बच्चे बूढ़े किस में भी हो सकता है, लेडीज जेंट्स छोटे बच्चे बड़े किस में भी हो सकता है। बट किस में होता और किसको होता किसको नहीं होता ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो अब तक ऐसा कोई चीज नहीं है मालूम करने के लिए कि अगर दो पर्सन अगर बर्ड के एक्सक्रीटा या शिट को, ड्रॉपिंग्स को एक्सपोज हुए तो किसको हो सकता किसको नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ टेस्ट मालूम कर सके अपन कि ये पर्सन को हो सकता है, वो तो अपन उनको एडवाइस कर सकते हैं कि ये चीज से दूर रहने के लिए। बट ऐसा कोई टेस्ट नहीं है मालूम करने के लिए, तो अब तो हम खाली जनरल में बोल सकते हैं नॉर्मल पब्लिक को कि आप ये चीज से एहतियात करिए। बेशक आप बर्ड से प्यार करिए, वो लोग को घर पे ला के रखिए, पालिए, बट थोड़ा प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। खास करके मास्क पहनना, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा सिम्टम दिख रहा है कि आपको ऐसी तकलीफ हो रही बर्ड्स के करीब जाते वक्त खांसी होना, या बर्ड्स के पास जाके आप थोड़ा दम चढ़ना ऐसा बढ़ रहा, तो फौरन अवॉइड कर दीजिए। एंड आप देखिए कि आप वो चीज से दूर रहे, आपके घर से वो चीज को अलग कर दीजिए। आपके घर पे पिजन्स आते हैं तो कुछ मेश डाल दीजिए सो दैट पिजन्स आपके घर में ना आए और आप ये बीमारी से बचे हुए रहे। ये बीमारी का इलाज बहुत आसान है, बस मुश्किल ये है कि सही टाइम पे सही इलाज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीमारी डायग्नोज होना। अक्सर ये बीमारी अनडायग्नोज होके रहती है लास्ट स्टेजेस में, जब लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है पेशेंट तब आते हैं, तब सीटी स्कैन करने से मालूम होता है कि अरे ये पेशेंट को तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है बट उसके लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो गए। इसके ऐसे टाइम पे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं और थोड़े थोड़े पेशेंट्स तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं ये बीमारी में, जो फाइब्रोटिक HP कहा जाता है, हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। ये एक ऐसी एंड स्टेज बीमारी है लंग्स की, जिसमें लंग्स पूरे डैमेज होके फाइब्रोज हो जाते और पेशेंट लाइफ लॉन्ग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाता है। अगर लंग्स डैमेज हो गया तो कुछ ट्रांसप्लांटेशन करना कुछ होगा? या बेशक, ये तो आजकल हैदराबाद में बहुत चल रहा, बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज है किम्स हॉस्पिटल के, यशोदा हॉस्पिटल के, अपोलो हॉस्पिटल के, तकरीबन अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। एंड मैं खुद वो लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कर रहे। रिसेंटली मेरे एक पेशेंट थे जो फाइब्रोटिक NSIP के थे, जो रिसेंटली लंग ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, बहुत अच्छे पेशेंट रिकवर हो रहे। एंड जो भी पेशेंट किसी भी बीमारी की वजह से अगर वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर में रह रहा है तो वैसे पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट बेशक करा सकते हैं। एंड सक्सेस के रेट पहले को आपको बहुत बेहतर हो चुके हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा कॉस्टली है बट सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अपने हैदराबाद में खुद अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छी तरीके से लंग ट्रांसप्लांट का किया जा रहा है एंड पोस्ट ऑप केयर भी बहुत अच्छा हो रहा है कंपेयर टू अदर सिटीज। जैसे पहले सुना जाता था कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, यहाँ लंग ट्रांसप्लांट हो रहे बेहतर हो रहे, या फिर तमिलनाडु CMC वेल्लोर में हो रहे बोल के, बट हैदराबाद में खुद लंग ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ऑफकोर्स न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है तो ये हजरात पढ़ते होंगे, देखते होंगे, चीज को गौर करते होंगे कि लंग ट्रांसप्लांट बेशक एक लास्ट ऑप्शन रहेगा जिसको भी कंप्लीट लंग डैमेज है।